सो हाय एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो एक मतलब ऐसे ही मुझे मन हुआ कि चल कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो आज मैंने ना कुछ सोचा है टीनेजर्स गर्ल्स के लिए जो कॉलेज या स्कूल जाती हैं, स्कूल 10th एंड 12th वाली लड़कियां जो होती हैं उन लोगों के लिए। तो आज मैं 2 क्विक एंड इजी हेयर स्टाइल बता रही हूँ जो वो अप्लाई करेंगी तो बड़ी अच्छी लगेंगी और अच्छा भी लगेगा। जैसे कि हम लोग जब मैं पढ़ती थी अपने 10th और 12th में, तो हमारे स्कूल में एक रूल्स था कि सिर्फ इधर दो चोटियाँ बना के आनी है एंड बस वही ड्रेस व्रेस वगैरह और कुछ भी नहीं। तो दो चोटियाँ बना के आनी थी, तो उस टाइम तो कभी कभी मतलब सच्ची मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, कभी कभी बहुत हम लोग इरिटेट हो जाते थे यार, क्या ये दो चोटी बना के जाओ, दो चोटी बना के जाओ। सो बहुत इरिटेट हो जाते थे। तो लेकिन अब कुछ न्यू न्यू, उस टाइम बहुत कुछ आइडिया था नहीं और अब कुछ नहीं, नया नया क्रिएट करते रहती हूँ तो मज़ा आता है। तो वही मैंने कुछ क्रिएट किया तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बालों को अपने अच्छे से कॉम कर लेंगे। वैसे मेरा बाल बहुत मतलब कॉम हुआ है और सिल्की भी है, तो सब बालों को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले आप शैम्पू लगाएं। तो आप कंडीशनर जरूर अप्लाई करें। आप जो भी शैम्पू लगाते हैं उसके साथ आप कंडीशनर जरूर लगाएं। उससे क्या होगा, बाल भी हेल्दी रहेंगे और फ्रिजी भी नहीं होंगे। एक दो दिन तक आप अगर ऑयल भी नहीं लगाएंगे ना तो बाल अच्छे रहेंगे। जैसे कि देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हैं, कंघी बिल्कुल आ जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। और ये जो मैंने पतली वाली कॉम्ब ली है और जो कॉम्ब की कॉर्नर वाली साइड है उससे हम ऐसे क्रॉस 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 करेंगे ना, तो अपने आप ये क्रॉस वाली लाइन क्रिएट हो जाएगी, मतलब बन जाएगी। जैसे हम सीधी मांग निकालते हैं ना वैसे नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। और ऐसे ही सेम पीछे से भी कर लेंगे, पीछे से क्रॉस नहीं, हम स्ट्रेट करेंगे। अब ऐसे हमारी हो गया ना, आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा ये लाइन बन के आई है। और हम ये आगे वाले बाल जो है ना, तो उसको हम ले लेंगे अपने फर्स्ट फिंगर से और अपने कान के पीछे तक ऐसे ट्विस्ट 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 करते हुए जाएंगे। और ऐसी जो टिप टॉप वाली पिन होती है उससे हम इसे सिक्योर कर लेंगे दोनों साइड से, एक ऊपर से और एक इधर से कर लेंगे। और फिर हम अपने बाल ले लेंगे। उसके बाद हम उसमें, ये मैंने पतला वाला रबड़ लिया है ब्लैक कलर का, आप मतलब कोई भी कलर का ले सकते हैं, मैंने यहाँ ब्लैक ही लिया है, अच्छा लग रहा था। तो ऐसे चोटी जैसा बना लेंगे। और अब इसमें हम दो डिवाइड कर लेते हैं, मतलब बालों को दो भागों में बांट लेते हैं। और बिल्कुल नीचे लाके थोड़ा सा छोड़ के हम एक नॉट बना लेंगे, दोनों साइड के भाग जो है हमारे बाल के दोनों साइड में बना लेंगे। और अब दोनों बन गया है। और इसमें थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई, नहीं तो अच्छी बनी थी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे बाल बहुत ही सिल्की हैं और बहुत वो अच्छे हैं, तो फिसल जा रहा था बाल, उसमें अच्छा आ नहीं रहा था, एक बाल उसमें बीच में छूट गया था। तो इसमें हम, अब आप देख सकते हैं मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। एक बाल लीजिए, फिर उसमें ऐड कर लीजिए, फिर एक लीजिए, फिर उसको ऐड कर लेंगे। और जो नीचे हमने लिया हुआ है ना, जो नॉट बनाया था हमने पतले वाले रबड़ से, उसको खोल देंगे और नीचे एक एक रबड़ सिर्फ लगा लेंगे, सिर्फ एक। और बिल्कुल जैसे सेम चोटी बनाते हैं ना वैसे ही ये आएगा। तो इस वाले मतलब दूसरे साइड भी हम बना लेते हैं वैसा ही, सेम वैसे ही। और इसमें भी वैसे ही मैंने किया है, कुछ जैसे जैसे बनाया है वैसे आप देख लीजिए एक बार, और मुझे जैसा आया मैंने वैसे बना लिया। मैं बहुत वो परफेक्ट तो नहीं हूँ हेयर स्टाइलिंग या ऐसा कुछ में, मुझे सच्ची में आता ही नहीं है। मैं जब स्कूल जाती थी ना तो मैं अपने बाल अपनी दी से बनवाती थी, मैं वेट करती थी कब दी खाली होगी तो मेरा बाल बनाएगी। तो बस ऐसा ही इधर भी कर लिया मैंने, उसको इसमें करके उसको उसमें करके निकाल लिया और हो गया हमारी अच्छी वाली चोटियाँ बन के तैयार हो गई। मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी यार, मैं सोच रही हूँ जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे ऐसा क्यों नहीं पता था, तब मैं ऐसा बना के जाती ना। बस बस वही है, आगे वाले बाल को थोड़ा सा हम ऐसे थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए। तो ये मेरी चोटियाँ बन गई ये। और ऐसे डिजाइन वाले अगर आपके पास पिन हो तो आप उन्हें लगा लीजिए, बाल और भी अच्छे लगेंगे। तो
हो गई हूँ मैं शादी शुदा, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं ऐसे चोटियाँ बना के घूमूँ। घूम तो नहीं रहे थे, सिर्फ ऐसे चोटियाँ बनाया वीडियो बनाने के लिए। और अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। तो सेकंड के लिए क्या करना है कि आप अपने बालों को फिर से अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। और ऐसे ना हमें मांग नहीं निकालनी है, नहीं तो ये बीच वाले जो गैप आ जाते हैं ना बालों में, वो अच्छा नहीं लगता है। तो सिर्फ अपने बाल को अच्छे से पहले कॉम्ब कर लीजिए और बालों को एक साइड कर लीजिए। एक साइड मैंने ऐसे एक साइड कर लिया, और फिर वैसे ही जैसे हमने पहले ट्विस्ट किया था ना, वैसे ही आगे से बालों को ट्विस्ट करते जाएंगे, ट्विस्ट करते जाएंगे, ट्विस्ट करते जाएंगे, और कान के पीछे तक फिर से वैसे बना लेंगे। और फिर से वहाँ तक हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं दोनों साइड से, ताकि बाल हमारे आगे ना आए। और आप चाहें तो ऐसे ही करके पीछे एक छोटू सा क्लचर लगा लीजिए, वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा, ये स्टाइल अच्छी लगेगी। और जो हमने ट्विस्ट किया ना, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे खींच लेंगे तो फ्लफी लगेगा। ये देखिए ऐसे मैंने किया तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना। अब हम पीछे के बालों में एक चोटी बना लेंगे। ब्लैक वाले रबर से मैंने अच्छे से बालों को बांध लिया है, और फिर बालों के बीच में एक गैप बनाएंगे। और जो पीछे वाली जो चोटी हमारी है, मतलब जो बाल नीचे हैं, उसको हम उसके बीच में ऐसे डाल के निकाल लेंगे। और जब मैं पीछे टर्न हुई ना, तो मुझे दिखा नहीं कि मतलब वीडियो में अच्छा क्लियर आ नहीं रहा है, नहीं तो मैं अच्छे से दिखाती। वैसे बालों का अच्छा स्टाइल बन गया था। और हम फिर पीछे से ऐसे पिन लगा लेंगे, हो गई हमारी स्टाइल। ये था आज का वीडियो। एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।